भाई और बहनों कांग्रेस जम्मू कश्मीर से सेना को हटाने की बात कर रही है कांग्रेस कह रही है कि जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देगी मैं महाराष्ट्र और देश के फर्स्ट टाइम वोटर से भी पूछना चाहूंगा जो पहली बार 21वीं सदी में पैदा होने के बाद इस बार देश की सरकार के लिए वोट देने के लिए जाने वाले हैं जिन्होंने 18 साल पूरे किए हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूं क्या देश की सुरक्षा पर पहले की सरकारों का कमजोर रवैया ये मेरे नौजवानों को मंजूर है मंजूर है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता इन लोगों को मंजूर है क्या 21वीं सदी का भारत ऐसे कमजोर देश के तौर पर होनी चाहिए भाइयों और बहनों जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हर देशवासी का हित भी सुरक्षित होगा देश का भविष्य सुरक्षित होगा मुझे खुशी है कि पूरा देश राष्ट्र रक्षा के लिए एक सुर में बात कर रहा है यदि विश्वास मेरी ताकत रहा है जिसके दम पर मैं बड़े और कड़े फैसले ले पाया बड़े संकल्पों को पूरा कर पाया साथियों पिछले पांच सालों में महाराष्ट्र के लाखों गरीबों को अपने पक्के घर 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 मिले हर घर में बिजली मिली घर घर में शौचालय बने और हमारी माता बहनों के मुझे विशेष आशीर्वाद है ऐसे परिवारों में जो गैस के चूल्हे के लिए इंतजार करते थे एलपीजी गैस का कनेक्शन भी मिल गया ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि आपने ईमानदार सरकार को वोट दिया जो हमारे गुमंत समुदाय है जैसे कि हमारा बंजारा समाज है वो अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं इस समाज को सरकारी मदद सही तरीके से मिल सके इसलिए आयोग बनाने का ऐतिहासिक फैसला भी आपके वोट के कारण ही हो पा रहा है आज स्वरोजगार के लिए करोड़ों युवा साथियों को अगर बैंक से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है तो उसके पीछे भी आपका वोट है आपके वोट की ताकत है